ये पावर केबल इसकी प्लग इन की है। बिस्मिल्लाह, ये पावर सप्लाई की लाइट इसकी ऑन हो गई है। इसको ये पावर वाला बटन पुश करते हैं, ठीक है। तो ये ऑन हो गया, ठीक है। फैन इसके ऑन हो गए हैं, प्रोसेसर का भी, दूसरा बैक पे भी, सप्लाई भी इसकी ऑन है। लेकिन स्क्रीन के ऊपर इसका जो है ना, वो डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये HP का PC है, टावर में ये पावर केबल इसकी प्लग इन की है। बिस्मिल्लाह, ये पावर सप्लाई की लाइट इसकी ऑन हो गई है। इसको ये पावर वाला बटन पुश करते हैं, ठीक है। तो ये ऑन हो गया, ठीक है। फैन इसके ऑन हो गए हैं, प्रोसेसर का भी, दूसरा बैक पे भी, सप्लाई भी इसकी ऑन है। लेकिन स्क्रीन के ऊपर इसका जो है ना, वो डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। यही प्रॉब्लम आ रही है इसको। फैन चलता रहता है इसका, ठीक है, टर्निंग ऑन हो जाता है कम्प्लीटली, लेकिन स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले शो नहीं होता। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपने इसका ये दो रैम्स लगी हुई हैं, ये रैम आपने उतार लेनी है। बिस्मिल्लाह, ठीक है, ये रैम चेक कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये रैम ब्लास्ट हुई है या वैसे इसका प्रिंट ब्रेक हो गया हुआ है। उसके बाद इसको ये सीमोस लगा हुआ है, जिसको हम सेल कहते हैं। ये अपने सीमोस इसका बाहर निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद ये आपने इसको लगानी है पावर केबल। बिस्मिल्लाह, और ये टर्निंग ऑन करते हैं अब। ये मदरबोर्ड बीप नहीं दे रहा, इसका स्पीकर लगा हुआ है बोर्ड के अंदर, ठीक है, बजर लगा हुआ है लेकिन बीप नहीं है किसी किस्म की। तो हम फिर भी एक दफ़ा इसको ये रैम जो है ना, सफाई करके इसकी अच्छी तरह तो लगा लेते हैं। इसकी स्लॉट भी साफ कर लेंगे। बगैर रैम के जो है ना, मदरबोर्ड बीप देता है, बजर आती है, वो बजर नहीं आ रही। तो बिस्मिल्लाह, ये रैम जो है ना लगाते हैं हम। बिस्मिल्लाह, अच्छी। अब ये पावर केबल प्लग इन करते हैं, टर्निंग ऑन किया इसको। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, कई दफ़ा ये सेल उतारे तो थोड़ा सा पीसी एक से दो दफ़ा ऑन से ऑफ होता है, उसके बाद डिस्प्ले देता है। थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे, टाइम लगाइए हमने। हीटअप वगैरह तो नहीं हो रहा, ये चीज़ें चेक कर रहा हूँ मैं ज़रा। तो डिस्प्ले नहीं है इसका। अब इसका ये प्रोसेसर वाला जो हीट सिंक है, ये हम ओपन कर लेंगे और चेक करेंगे कि प्रोसेसर इसका गर्म हो रहा है या नहीं। हीट सिंक बाहर आ गया, ये प्रोसेसर है इसका, तो इसको ओपन कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, प्रोसेसर तो तकरीबन साफ है, सॉकेट भी इसकी साफ है। तो ये अभी ऑन करते हैं इसको।
ठीक है, ये ऑन हो गया सर। नॉर्मल सा हीटअप हो रहा है, ठीक है हीटअप हो रहा है, अब सर हीटअप होना स्टार्ट हो गया। सर बिल्कुल ओके है, सर हीट हो रहा है तो बिल्कुल ओके होता है, कई दफ़ा ख़राब भी होता है, लेकिन बिलहाल फ़िलहाल जो है ना ठीक लग रहा है मुझे। अभी इसकी रैम उतार के तो एक दफ़ा बीप चेक कर लेंगे, प्रोसेसर हमने उतार के तो लगाया। तो दोस्तों कोई बीप नहीं है इसकी, अभी ये मदरबोर्ड हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और इसकी बायस जो है ना वो चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाह ने जी, ये बोर्ड बाहर आ गया हमारा, अब इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह ने जी, ये इसकी बायस है, ये इसको शॉर्ट करके ऑन करते हैं। ये बायस की पिन के ऊपर रखी है प्राड हमने, ये चेक करें, कोई सिग्नल्स नहीं है, मदरबोर्ड ऑन है, फ़ैन ऑन है इसका, कोई सिग्नल्स नहीं है, ठीक है, प्रोसेसर इसका हीटअप हो रहा है। हम इसकी एक दफ़ा पहले बायस करके जाएँ, दूसरी बिन फाइल राइट करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये बिन फाइल हमने उतार ली है अभी, तो अभी इसको जो है ना राइट करते हैं। ले जी, ये प्रोग्राम हो रही है बायस, ठीक है, ये आईसी प्रोग्राम हो रहा है इसका, राइट हो रही है, नहीं हो राइट हो के तो फिर इसको मदरबोर्ड के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, फिर चेक करते हैं इंशाल्लाह।